वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आई हूँ, लेकिन उससे पहले अगेन हैप्पी होली गाइस। और मुझे पता है आप लोगों ने भी मेरी तरह बहुत ही मस्ती करी होगी, लेकिन मस्ती करने के बाद हमारे होली के जो कलर्स हैं उससे हमारा फेस कैसा हो गया। तो गाइस आप लोग घबराइए मत, अगर आप लोगों के फेस पे भी पक्का रंग मेरी तरह किसी ने लगा दिया है, जैसे कि मेरे तो देवर ने लगा दिया था, अगर आपके भी किसी ने इस तरीके से लगाया है रंग, तो आप फिक्र मत कीजिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आई हूँ कि हम पक्के कलर्स कैसे हटाएं। तो गाइस बिना वीडियो को स्किप करें आगे कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स गो गाइस। आपको लेना है एक बाउल, और बाउल के साथ आपको लेनी है एक स्पून। आपको टोमेटो लेना है कटा हुआ हाफ, और इस तरीके से उसका रस ऐसे निचोड़ लेना है। रस निचोड़ने के बाद आप लोगों को चाहिए पैराशूट ऑयल, एक चम्मच आपको पैराशूट ऑयल डालना है इस तरीके से। पैराशूट ऑयल डालने के बाद आप लोगों को डालना है गुलाब जल। गुलाब जल डालने के बाद आप लोगों को डालना है बेसन, देख सकते हैं एक चम्मच बेसन डालना है। अगर आप लोग पूरी फैमिली के लिए बना रहे हैं तो आप ज़्यादा बेसन भी यूज़ कर सकते हैं गाइस, लेकिन मैं अपने लिए ही बना रही हूँ इसलिए मैंने बस इतना सा ही किया है। इस तरीके से ये पैक सा बन जाएगा। इसके बाद आपको अपनी स्किन पे अप्लाई करना। अब इस पैक को आप लोग अपनी स्किन पे लगाएंगे इस तरीके से गाइस। आप देख सकते हैं मैं कैसे लगा रही हूँ, इस तरीके से आपको अप्लाई करना है सारी स्किन पे। ऐसे आप अप्लाई करने के बाद आपको साबुन से फेस वॉश नहीं करना है, आपको नॉर्मली पानी से फेस वॉश करना है। इस तरीके से मसाज करते करते आप लोगों को, देखो मेरी नेक पे भी लगा हुआ, तो मैं अपनी नेक पे भी मसाज कर रही हूँ गाइस। आप देख सकते गाइस, अब मैं इसी तरीके से मसाज करने के बाद मैं फेस वॉश करके आती हूँ। नॉर्मल वाटर से आपको फेस वॉश करना है, मैं कोई साबुन वगैरह यूज़ नहीं करूँगी। सो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैं नॉर्मल वाटर से फेस वॉश करके आ चुकी हूँ। आप लोग देख सकते हैं मेरे कहीं भी कलर नहीं है पक्का, देखो सारी जगह से छूट चुका है। तो गाइस अब हमें क्या करना है, पैराशूट ऑयल लेना है और फिर से अपने पाम पे ऐसे डालना है, और इस तरीके से अपनी स्किन पे मसाज देनी है। क्यों सीरम पैक क्यों लगाना ज़रूरी है गाइस, टॉवल से कोई भी अपने स्किन को नहीं पूछेगा, पानी को नहीं पूछेगा, उसको लगे रहने देना। और इस तरीके से सीरम को लगा कर रखना। सीरम लगाने से क्या होगा गाइस, आप लोगों की जो स्किन है वो बहुत ही शाइनिंग करेगी, और हमारी जो स्किन है वो थोड़ी सी वैसी सी हो जाती है, हार्ड सी कलर वगैरह यूज़ करने के बाद। उसके बाद आप लोग देखना अब आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा गाइस मेरे पाम पे रह गया बस, बाकी सारी जगह से देखो कलर वॉश हो गया। अब मैं जाती हूँ फेस वॉश करके आती हूँ साबुन से। तो गाइस अब मैं आ गई हूँ फेस वॉश करके, अब मैं टॉवल से ऐसे पोंछ लूँगी अपने फेस को इस तरीके से। आप लोगों को पोंछ लेना है, आप देख सकते हैं मेरे कहीं भी कलर नहीं रहा है पक्का। इस तरीके से आप लोगों को पोंछने के बाद गाइस आप लोगों को कोई भी कोल्ड क्रीम, फेस की जो भी क्रीम होती है, मैं यहाँ पे ओरिफ्लेम की लवनेचर की क्रीम यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी फेस क्रीम यूज़ कर सकते हैं गाइस। इससे क्या होता है हमारी जो स्किन हार्ड हो जाती है कलर वगैरह से, तो जो क्रीम लगती है हमारे फेस पे उससे है ना अलग सा निखार सा आ जाता है, और जो हार्डनेस होती है वो सॉफ्टनेस हो जाती है हमारी स्किन, जो हार्ड हो जाती है सॉफ्ट हो जाती है हमारी स्किन। इस तरीके से आप लोगों को अप्लाई कर लेना। आप लोग भी मेरी इस वीडियो को ट्राई कीजिए। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं वीडियो जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और आप लोग देख सकते हैं कि मेरे फेस पे कैसा ग्लो आ गया, पक्का रंग बिल्कुल भी नहीं रहा है। तो गाइज़ अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड गाइज बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि कोई भी न्यू वीडियो अगर मेरे चैनल पे अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मिल सके गाइज। तो इस वीडियो को ट्राई करें और उसके बाद रिजल्ट मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। तो मिलते हैं ऐसी अच्छी वीडियो के साथ। सो बाय।